घर पे रह के हमें स्टडी करनी है, यस अच्छे से मैम, करनी है। जो नहीं समझ में आता वो आप पूछा करो, ठीक है? यस मैम, ओपन करो बेटा। चैप्टर वन के रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, लर्निंग फ्रॉम ए फैमिली। हम फैमिली से क्या-क्या सीखते हैं। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम चैप्टर का बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। बुक वर्क हमारा किया हुआ है नोटबुक में, उसको हम रिवाइज करेंगे। टेक द राइट आंसर, निकालो पेज नंबर 11। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु स्टे इन द सेम हाउस आर ए पार्ट ऑफ आवर। जो मेंबर्स फैमिली के हमारे साथ हमारे सेम हाउस में रहते हैं वो हमारी किस फैमिली का पार्ट होते हैं। आंसर दो। इमीडिएट फैमिली, फैमिली, वेरी गुड। इमीडिएट फैमिली बी ऑप्शन को आप टिक करोगे। मैम जो हमारे साथ रहता है सगा परिवार। हमारे साथ रहते हैं सेम हाउस में जो हमारा सगा परिवार होता है वो होती है इमीडिएट फैमिली। नेक्स्ट देखिए, इज ए प्रोसेस। ऐसी कौन सी प्रोसेस है बाय विच पीपल कैन टेक ए चाइल्ड हु इज नॉट बॉर्न टू देम। बॉर्न मींस लेना। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम किसी भी बच्चे को ले सकते हैं। चाइल्ड मींस जो खुद से फोन जन्म नहीं दे पाते, जो पेरेंट्स वो कहाँ से बच्चे को ले सकते हैं उसे क्या कहेंगे। अडॉप्शन, अडॉप्शन। अडॉप्शन मींस गोद लेना। अडॉप्शन अडॉप्शन मींस गोद लेना। गोद पार्ट लेना। टू में ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अडॉप्शन गोद लेना। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नंबर थ्री, मैमल्स प्रोड्यूस बाय। मैमल्स क्या होते हैं। ओकेशन का क्या मींस होता है, क्या मींस होता है इसमें।
ओकेजन कार्तिक ओकेजन क्या मीन्स होता है ओकेजन का डिफरेंट ओकेजन यानी कोई फैमिली फंक्शन होते हैं तब हम अपनी किस फैमिली से मिल पाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली यानी जो बड़ी फैमिली विस्तृत फैमिली होती है उनसे हम सिर्फ कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तभी हम उनसे मिल पाते हैं तो यह नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक से नंबर ए ऑप्शन में हम लिखेंगे एक्सटेंडेड पालते हैं वो पेरेंट्स कौन से होते हैं फोस्टर पेरेंट्स
अडॉप्शन यानी अडॉप्ट बेबीज, ये बेबीज को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद मैमल्स, मैमल्स इसका आंसर क्या आएगा? प्रोकैरियोट्स यानी मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो उनकी तरक्की दिखाई देते हैं। ध्यान नंबर 5 लिखेंगे। इसके बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं ना, ये है। यस मैम। लर्निंग वैल्यूज, लर्निंग मीन सीखना, वैल्यूज अच्छी बातें, अच्छी बातें हम किनसे सीखेंगे? तो मैं तो भी फिर बता रहा हूं, मैम टू हमारी टीचर से वही हमें अच्छी बातें सिखाएंगे। यस मैम। एक्सटेंडेड फैमिली, और एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है जिनसे हम कम मिल पाते हैं? कोई भी अवसर, कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई भी घर में प्रोग्राम होता है, तभी हम उनको सभी को इनवाइट करते हैं। तो रिलेटिव हु मीट ओकेजनली, जो कि केवल ओकेजन पर ही हमारे घर आते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4। इसके बाद इस चैप्टर के टू फॉल्स है, द रिलेटिव हु लिव विद अस मेक अवर एक्सटेंडेड फैमिली, जो रिलेटिव हु लिव विद अस जो हमारे साथ रहते हैं वो क्या हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है? नो मैम। फॉल्स, जो हमारे साथ होते हैं, हमारे सेम हाउस में रहते हैं, वो हमारी इमीडिएट फैमिली होती है। तो नंबर ए ऑप्शन में क्या लिखोगे आप? नंबर बी, वी लर्न फैमिली कस्टम एंड गुड वैल्यूज फ्रॉम अवर एल्डर्स, क्या हम अच्छी बातें हमारी फैमिली मेंबर से सीखते हैं अपने बड़ों से ही, हमारे हमें जो संस्कार आते हैं वो बड़ों से ही हमें आते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट है नंबर सी, All animals give birth to babies. क्या सभी animals हैं वो babies को birth देते हैं, जन्म देते हैं? नहीं। जो animals होते हैं वो babies को birth देते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी example देखे थे जो क्या देते हैं? Eggs देते। जैसे कुछ example आप मुझे बताइए। Very good. Snake. वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें कहते हैं मैमल्स, जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स। नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन रीड करें। अडॉप्शन इज ए प्रोसेस हु गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अडॉप्शन क्या ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है? नहीं। अडॉप्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं यानी गोद लेते हैं। तो यहाँ इसमें भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जिसकी पिक मैंने आपको भेज दी है, अभी हम उसका केवल रिवीजन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, आर ए पार्ट ऑफ अवर इमीडिएट फैमिली, वो कौन सी फैमिली का पार्ट है? हमारी इमीडिएट फैमिली का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली से आप क्या समझते हैं, यानी विस्तृत परिवार क्या होता है? देखिए, सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे लिव फार अवे,
हमसे दूर रहते हैं इन डिफरेंट हाउस या अलग घर में रहते हैं दे आर ए पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली. इमीडिएट फैमिली सेम हाउस में रहती है, एक्सटेंडेड फैमिली है वो अलग रहती है. ये इन दोनों के डिफरेंस है. नेक्स्ट देखिए व्हाट गुड वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम अवर फैमिली. हम अपनी फैमिली से कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो सीखते हैं. इसका आंसर लिखेंगे द गुड वैल्यूज वी लर्न अबाउट फैमिली ट्रेडिशन. हम अच्छी बातें अपनी फैमिली से सीखते हैं. ट्रेडिशन यानी अपनी परंपराएं जो है जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जाती हैं, तो जो अच्छे संस्कार हैं वो हम हमारी फैमिली मेंबर से सीखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्शन. हिंदी मीन्स क्या है इसका, प्रजनन. द प्रोसेस ऐसी प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स जिसमें जो एनिमल्स होते हैं एंड ह्यूमन बींग्स जो है यानी मानव प्राणी जो है इसमें प्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा करते हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं वो क्या प्रोसेस कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है. ह्यूमन बींग्स है जो एनिमल्स है अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं वही क्या है, रिप्रोडक्शन है, मींस प्रजनन है. नेक्स्ट व्हाट इज अडॉप्शन. अडॉप्शन क्या है, गोद लेना क्या है. जिन पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते हैं वे ऑर्फनेज से बच्चा गोद लेते हैं. तो अडॉप्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच पीपल कैन टेक ए चाइल्ड जिसमें अडॉप्शन में एक बच्चे को गोद लिया जाता है. हु इज नॉट बोर्न ऑफ देम जो खुद से जन्म नहीं दे सकते हैं एज देयर ओन सन और डॉटर और जिसे वो अपने बेटे और बेटी की तरह रखते. सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटे. तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो अपने ऑर्फनेज जैसी जगह होती है जहाँ से बच्चों को अडोप्ट किया जाता है वहाँ अडोप्शन ऑर्फनेज में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स किसी कारणवश उनको अपना नहीं पाते. तो ऑर्फनेज से जो पेरेंट्स के बच्चे नहीं है वो वहाँ से उनको गोद ले सकते हैं यानी वहाँ से लेके आ सकते हैं. स्टूडेंट्स बुक पर और इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं. जो भी क्वेश्चन आप मुझे पढ़ना चाहते हैं पूछ सकते हैं और कल हम होमवर्क और क्वेश्चन आंसर इनका मैं सीटी लूंगी. ठीक है. यस मैम. यस मैम. ओके एनी प्रॉब्लम. यस मैम. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.